Three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A, as shown in the following figure. The force experienced by charge placed at vertex A, A पे जो charge है, the force experienced by charge at vertex A in a direction normal to BC, in a direction normal to BC. तो पहले तो तुम ये समझ लो अच्छे से, what do you mean by in a direction normal to BC? What do you understand by in a direction normal to BC? What is the vertical force? ऐसा पूछा है, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है आपसे। अब पहले तो फोर्स ऑन A, A पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? B और C। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर तुम बीच में प्लस लिख रहे हो तो वेक्टर नोटेशन है तो ही लिख सकते हो। स्केलर नोटेशन में डायरेक्ट प्लस लिखना नहीं। स्केलर नोटेशन में डायरेक्ट प्लस कब लिखते हो? जब व्हेन यू आर श्योर दैट द टू फोर्सेस आर इन same direction. But if you don't know if the two forces are in same direction, you write down plus in between, but with vectors, in vector sign. A को C attract करेगा कि repel करेगा? Repel, क्योंकि दोनों क्या है? Positive. तो direction क्या होगा? C to A. Okay, right. तो ये आ गया force on A due to C. A को B attract करेगा, repel करेगा? Attract. तो direction क्या होगा? A to B. ये आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B, करेक्ट। और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला ही है आपको, बोला ना इक्विलैटरल ट्राइंगल, यस। तो हाउ मच इज दिस एंगल? 60. इफ दिस इज 60, दिस इज आल्सो 60. तो फोर्स के दो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस कंपोनेंट और एक होगा साइन कंपोनेंट। तो यह आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू C का साइन कंपोनेंट और ये हो गया फोर्स ऑन A ड्यू टू C का कॉस कंपोनेंट। सिमिलरली फोर्स ऑन A ड्यू टू B के भी दो कंपोनेंट होंगे। अभी अगेन द सेम लॉजिक, अगर ये 60 है तो ये 60 है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B का कौन सा कंपोनेंट? कॉस, और नीचे आएगा साइन। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B का कौन सा कंपोनेंट? साइन 60 कंपोनेंट। क्लियर? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे ना। तो देयरफॉर फोर्स ऑन A ड्यू टू B साइन 60 एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C साइन 60 कैंसल्स आउट, राइट? कैंसल्स आउट, मतलब BC को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो क्या हो गए? Cancel. So what is the force in a direction perpendicular to BC? जो BC को फोर्सेस परपेंडिकुलर थे वो दोनों कैंसल ही हो गए। तो फिर BC को परपेंडिकुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? जीरो। तो आंसर इज जीरो, ऑप्शन नंबर सी, राइट। उन्होंने तुमसे स्पेसिफिकली क्या पूछा है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट A इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। लेकिन BC को नॉर्मल तो है ही नहीं, बचा कौन? कौन बचा यहाँ पे? BC को पैरेलल। अगर पूछा होता व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स A पैरेलल टू BC, फिर आंसर जीरो नहीं आता, फिर तुमको ये सॉल्व करना पड़ता। FAC cos 60 प्लस FAB cos 60, मतलब 2f cos 60, और cos 60 1/2, तो 2f/2 कैंसिल, से क्या बचेगा? वो सॉल्व करना पड़ेगा उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जस्ट टू टेल यू, अगर B और C दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं होता।